मॉर्निंग। सो अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन सम, एस्टिमेशन डिफरेंस, एस्टिमेशन प्रोडक्ट। ओके, सो एस्टिमेशन सम में क्या करेंगे, पहले एस्टिमेटिंग सम ऑफ नंबर्स मीन राउंडिंग ऑफ द नंबर्स हूज सम इज टू बी एस्टिमेटेड एंड देन एडिंग द राउंडेड नंबर। फिर एस्टिमेटिंग डिफरेंस क्या होता है, एस्टिमेटिंग डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स मीन राउंडिंग ऑफ द टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू बी एस्टिमेटेड एंड देन फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ द राउंडेड नंबर। ओके, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, एस्टिमेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स राउंडिंग ऑफ द नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज टू बी एस्टिमेटेड एंड देन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द राउंडेड नंबर। ओके, सो हम एग्जाम्पल्स देखे हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे एग्जाम्पल्स आप अपने कॉपी में करिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल्स, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स टू नियरेस्ट 10, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। अब यहाँ पे दो नंबर दिए हैं और उसको नियरेस्ट 10 में अभी हमको पहले एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10। सो 73 हमने आपको नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट करना बताया था कि अगर ये वाला लास्ट वाला जो वंस प्लेस पे होता है अगर वो 5 से कम है इट मीन्स 0, अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 ऐड करके 60 लिख देंगे। जैसे कि 73 है तो 70 हो जाएगा बिकॉज ये 5 से लेस है, और ये 5 से ग्रेटर है इट मीन्स 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों का सम कर देंगे, यानी दिस इज आंसर। और ऐसे हम अगर इसका एक्चुअल सेम सम निकाले थे तो वो 131 आया था, ठीक है। पहले हमें एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम टू ईच सम टू द नियरेस्ट 10 पहले हमें निकालना है, फिर उसका एक्चुअल सम निकालना है। तो एक्चुअल सम निकाल दिया तो आंसर क्या हो गया, द एक्चुअल सम इज 131 व्हेयर द एस्टिमेटेड सम ऑफ 130। सो आपको ऐसे आंसर लिखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन बी भी है, 39 को आप 40 के नियर अबाउट लोगे और 84 को 80 के नियर अबाउट, दोनों को प्लस कर दोगे यानी 120 आ जाएगा, यानी एस्टिमेटेड सम आ जाएगा, और इसका जो एक्चुअल सम आएगा वो 123 आएगा दिस। ओके, सो ये आप करिएगा। इसी तरीके से कुछ सम के क्वेश्चंस भी हैं, प्रॉब्लम सम भी हैं। देयर आर इतने मैन इतने वुमेन इज अ पार्टी, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी। सो ये भी आपको सम ही करना है, सो आप करिएगा। एक डिफरेंस वाले के एग्जांपल देख लेते हैं, एस्टिमेट द डिफरेंस इतना टू द नियरेस्ट 10, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। ये भी नियरेस्ट 10 पे ही हमें डिफरेंस करना है। तो 876 को हम किसके नियर अबाउट लिखेंगे, इधर देखिए नियरेस्ट 10 पे करना था ना, तो यानी यहाँ पे यही चीज़ हमें करना है मेजर। 76 को हम किसके लिखेंगे, 80, यहाँ लिख दिया 80। और 48 को हमने किससे लिखा, 50 से, और दोनों को डिफरेंस किया तो इतना आया, और एक्चुअल डिफरेंस कितना आया था, 328। तो फिर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एस्टिमेट डिफरेंस इज 330 एंड द एक्चुअल डिफरेंस इज 328 एज सोन अलॉन्ग साइड। ओके, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 76, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, सो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, और बोला है कि बोला सिंस बोथ द नंबर्स आर टू डिजिट, दोनों नंबर टू डिजिट में हैं, देयरफॉर वी विल राउंड दैम ऑफ द नियरेस्ट 10। सो हम यहाँ पे नियरेस्ट 10, यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको नियरेस्ट 10 पे करना है, अगर कुछ नहीं बोलता है सो हम नियरेस्ट 10 पे उसको एस्टिमेट करेंगे। तो हम टू डिजिट है ही तो नियरेस्ट 10 करना पड़ेगा। सो 32 का नियरेस्ट 10 अगर हम करेंगे तो 30 लिखेंगे और 76 को 80 लिखेंगे, ठीक। तो हैंस एस्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 76 इट मीन्स 30 एंड 80, दोनों का जब हम मल्टीपल किए मल्टीप्लाई किए तो इतना आया एज सोन, और यहाँ पे हमने एक्चुअल वाला भी किया है। सो हमने लिखा क्या कि एस्टिमेट प्रोडक्ट दिस एंड एक्चुअल प्रोडक्ट दिस, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, दो हर क्वेश्चन में दोनों कंडीशन करना है, एक्चुअल भी निकालना है और एस्टिमेट भी निकालना है, ठीक है। तो ये आप करिएगा, इसके जो एक्सरसाइज हैं वो भी करिएगा, और जो भी इसके एग्जांपल मैंने बताया है वो सारे कॉपी में कर लीजिएगा।